हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th of June के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 12th of June को आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब ये वाला जो डे है, इसको लॉन्च किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। 2015 के अंदर वर्ल्ड लीडर की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने एक नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया था। कौन सा नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था? वो था टू एंड चाइल्ड लेबर, राइट। उसमें एक इन्होंने नया क्लॉज इंक्लूड किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, जो था एंड चाइल्ड लेबर। और अब देखो, जो वर्ल्ड लेवल पे जो डे आते हैं उनका एक थीम होता है, और जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, इसका थीम क्या है इस साल का 2024 का? तो 2024 का इसका थीम है लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। कमिटमेंट क्या करी है कि चाइल्ड लेबर को हमें खत्म करना है, राइट। फिर नेक्स्ट 12th of June को आता है नेशनल रेड रोज डे, नेशनल रेड रोज डे। अब इसमें रेड रोजेस की ब्यूटी के बारे में है ये जो डे है, स्टनिंग ब्यूटी ऑफ रेड रोजेस। और इसके अलावा, अब रेड रोजेस की ब्यूटी के अलावा, इसमें जो इस रेड रोज होता है, रेड रोज क्या है, सिंबल ऑफ लव माना जाता है, पैशन माना जाता है, एवरीथिंग ब्यूटीफुल उसके लिए जो रेड रोज है, उसको हम ऑनर करने के लिए जो नेशनल रेड रोज डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। कब किया जाता है? 12th of June को। तो किस तरह से, आप देखो, पहला क्या आया था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को हमें खत्म करना है और बच्चों को रेड रोज देना है। इस तरह से आप दोनों डेज जो है याद कर सकते हो, जो आते हैं 12th of June को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग से रिलेटेड। विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्स द टॉप स्पॉट इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज हुई है, ककराली सिमोन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड रैंकिंग, तो कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पे रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो टॉप पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही है MIT कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज US। तो ये पिछले 13 साल से कंटिन्यूसली ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है, MIT कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी है। सेकेंड पोजीशन इंपीरियल कॉलेज लंदन की है, सेकेंड पोजीशन। और थर्ड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम की ही है। और फोर्थ पोजीशन पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज। कुछ न्यूज़पेपर पे ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इन दोनों की थर्ड पोजीशन लिखी हुई है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसकी थर्ड पोजीशन है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फोर्थ पोजीशन है। हालांकि एक पॉइंट का ही, पॉइंट का फर्क है, जिसके चलते हुए जो ऑक्सफोर्ड है वो थर्ड पोजीशन पे है, हार्वर्ड जो है फोर्थ पोजीशन पे है, राइट। IIT बॉम्बे। अब हम बात करते हैं इंडिया की, वो तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे जो MIT यूनिवर्सिटी है उसका टॉप रैंक रहा है, राइट, ये है वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इंडिया लेवल पे टॉप पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही है IIT बॉम्बे। कौन सी है? IIT बॉम्बे इंडिया में इसकी जो है टॉप स्पॉट पे रही है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसका रैंक है वो है 118। ऑल ओवर द वर्ल्ड 118 रैंक है, लेकिन इंडिया पे इसका टॉप स्पॉट रहा है, टॉप पोजीशन रही है। इंडिया में सेकंड है IIT दिल्ली और इसका वर्ल्ड रैंक कितना है? 150th। इंडिया की टोटल 61% यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिन्होंने अपना रैंक पहले से इम्प्रूव किया है, और 24% यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा है। 61% यूनिवर्सिटीज ने अपना रैंक इम्प्रूव किया है और 24% यूनिवर्सिटीज ने अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा है अकॉर्डिंग टू QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। नेक्स्ट है नेम द लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज ए पैलेस्टीनियन स्टेट। पैलेस्टीनियन
को कुछ कंट्रीज है जो स्टेट का दर्जा देते हैं, स्टेट मीन्स कंट्री का, राइट. कुछ कंट्रीज है जो इसको स्टेट नहीं मानते, राइट. तो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि लेटेस्ट जो है यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है स्लोवाकिया, उसने पैलेस्टीनिया को स्टेट का दर्जा दे दिया है. स्लोवाकिया क्या बोल रहा है कि पैलेस्टीनिया एक अलग से कंट्री है, राइट. इसके अलावा स्लोवाकिया से पहले भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने ये अपना डिसीजन दिया था कि जो पैलेस्टीनियन है उसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए. कौन कौन सी है, जैसे कि स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया, आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, और इसके बाद स्लोवानिया ने भी अपना जो है डिसीजन दे दिया है कि जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन एक अलग से कंट्री जो है इसको माना जाए, राइट. अब स्लोवेनिया की लोकेशन देख लेते हैं, यूरोप की कंट्री है, यह रही इसकी लोकेशन स्लोवेनिया की, और इसके जो कैपिटल है वो क्या है, लुब्लियाना. इसके कैपिटल क्या है, लुब्लियाना इसकी कैपिटल है. और करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की यूरो, करेंसी यूरो है, कैपिटल है लुब्लियाना. नेक्स्ट, विच कंट्री पुट अ स्टॉप ऑन गोल्डन राइस कमर्शियल प्रोडक्शन. गोल्डन राइस की कमर्शियल लेवल पे जो प्रोडक्शन है उसको रोकने के लिए कौन सी कंट्री के कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो आंसर है फिलीपींस. फिलीपींस ने बोला है कि जो गोल्डन राइस की कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है उसको रोका जाए. रीजन मीन के जो गोल्डन राइस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, राइट. ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप करी गई है गोल्डन राइस, तो ये एक राइस की ही वैरायटी है. इसमें बीटा कैरोटीन होता है, गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो बॉडी में विटामिन ए की सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो अब ये इसको क्यों रोका गया है, फिलीपींस की जो कोर्ट है उसने बोला है कि इसके जो परमिट्स है, बायोसेफ्टी परमिट्स, गोल्डन राइस और बीटी एग प्लांट, जो बैंगन होता है, राइट, ये उसकी वैरायटी है बीटी एग प्लांट. तो इन दोनों को इन्होंने, जो फिलीपींस की कोर्ट है, इसने इनकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे रोक लगाई है ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, हेल्थ कंसर्न्स एंड लीगल कंसर्न्स. फिलीपींस की जो कोर्ट है उसने ये भी बोला है कि इन पे अभी और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसके बाद हो सकता है कि इसकी परमिशन मिल जाए मास लेवल पे प्रोडक्शन करने की, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उस पे रोक लगा दी गई है फिलीपींस की कोर्ट पे, राइट. क्योंकि अब इससे बहुत सारे इन्होंने देखा है कि इसके नुकसान है. इससे ये भी हो सकता है कि गोल्डन राइस के चलते हुए कि जो वहाँ पे राइस की वैरायटी है मे बी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, उसकी जगह पे गोल्डन राइस आ जाए. तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए, लीगल कंसर्न्स आ गए, सेफ्टी कंसर्न्स आ गए, जिनको देखते हुए फिलीपींस की कोर्ट ने मास लेवल पे प्रोडक्शन करने पे रोक लगा दी है. गॉट इट. नेक्स्ट है, अदानी पोर्ट्स साइंस 30-year पैक टू ऑपरेट विच कंट्रीज पोर्ट. कौन सी कंट्री के पोर्ट के साथ जो अडानी है, अडानी पोर्ट है, उन्होंने एक साइन किया है, पैक साइन किया है 30 years की ऑपरेशन के लिए, कि 30 years तक वो उस कंट्री के पोर्ट को ऑपरेट करेगा. तो आंसर है तंजानिया पोर्ट, राइट. तंजानिया में दर ए सलाम पोर्ट है. तंजानिया का कौन सा पोर्ट है, दर ए सलाम पोर्ट, जिसके साथ जो अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स है उन्होंने 30 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, राइट. तंजानिया अफ्रीका की कंट्री है, तो यहाँ पे है दर ए सलाम पोर्ट, ये रहा दर ए सलाम पोर्ट, राइट. नेक्स्ट है, सारथी सुरक्षा पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय. सारथी सुरक्षा पॉलिसी ये किसके लिए है, ये ड्राइवर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, सारथी सुरक्षा पॉलिसी. तो कौन सी कंपनी इसको लेकर आई है, तो कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड कंपनी. सारथी सुरक्षा पॉलिसी इसने लॉन्च करी है. तो मेन एम क्या है सारथी सुरक्षा पॉलिसी का, इसमें जो ड्राइवर्स है उनको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा 10 lakh तक का, राइट. इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, डेथ इंश्योरेंस, परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस होगा अप टू 10 lakh तक का, राइट. इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जैसे कि एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन. इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं उनके जो बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशनल बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट. और ये जो पॉलिसी है सारथी सुरक्षा पॉलिसी, ये इफ़ेक्टिव हो चुकी है. कब से इफ़ेक्टिव हुई है, 1 June 2024 से ये जो है लागू हो चुकी है, राइट.
नेक्स्ट डे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल. टोबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, तो वो है पीवी सिंधु. किसको अपॉइंट किया है, पीवी सिंधु. नेक्स्ट है एयर परवाह ऐप इज लॉन्च्ड बाय. एयर परवाह ऐप ये किसने लॉन्च करी है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये ऐप लॉन्च करी है, तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एयर परवाह ऐप जो है वो लॉन्च करी है. इस ऐप के अंदर जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी को जो है प्रॉपरली असेस किया जाएगा कि एयर के अंदर कितना पार्टिकुलेट मैटर है, कितने बाकी की गैसेस है, ये सब चीज़ें एयर परवाह ऐप के थ्रू जो है असेस करी जाएगी और इस पर बताई जाएगी. राइट. नेक्स्ट है तृष्णा मिशन इज कंडक्टेड बाय विच टू कंट्रीज. तृष्णा मिशन, तृष्णा मिशन कौन सा है, ये एक स्पेस रिलेटेड मिशन है जो कि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये है. इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर ये मिशन जो है कंडक्ट करवाया है. राइट. ये तृष्णा मिशन क्या है, तृष्णा मिशन इंडिया एंड फ्रांस दोनों की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर ये जो तृष्णा मिशन है इसको कंडक्ट किया है. तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है, तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट. राइट. तो इसमें होगा क्या, ये जो तृष्णा मिशन है इसमें जो ये स्पेस में जो भेजा जा रहा है, इस मिशन के तहत अर्थ के ऊपर जो भी अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर जो वाटर है, टेम्परेचर है, उन सब चीज़ों को चेक किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा. वाटर मैनेजमेंट, टेम्परेचर, कितना जो है एल्बिडो अर्थ पे आ रही है, कितनी जो रेस है अर्थ पे आ रही है, हीट अर्थ पे आ रही है, कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इन सब चीज़ों को असेस किया जाएगा थ्रू तृष्णा मिशन. तो इसको कंडक्ट करवा रहा है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो एंड फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES. राइट. नेक्स्ट है ओलेग कोनेंको हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days इन द स्पेस इज फ्रॉम विच कंट्री. ओलेग कोनेंको, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, पहले ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने स्पेस में 1000 days जो है वो स्पेंड कर दिए हैं. राइट. 1000 days, ऐसे एक बार में ही नहीं है, लगातार नहीं है, तो बारी बारी में, जैसे अलग अलग मिशंस पे गए तो अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए रहे, तो टोटल 1000 days तक ये स्पेस में रह चुके हैं. अभी भी ये स्पेस में ही है, तो जो करंट इनका मिशन है, अगर उस मिशन को ये कंप्लीट कर देते हैं तो ये एक और रिकॉर्ड बना देंगे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना देंगे 1110 days का, अगर जिस मिशन पे ये गए हैं उस मिशन को कंप्लीट कर देते हैं. तो फिलहाल के लिए 1000 days का इन्होंने एक जो है रिकॉर्ड बना दिया है और ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 1000 days गुजारे हैं स्पेस में. नाम क्या है, ओलेग कोनेंको. कौन सी कंट्री के हैं, ये है रशिया के. राइट. कॉस्मोनॉट, रशिया के जो ऑस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉस्मोनॉट. रशिया के ऑस्ट्रोनॉट्स को क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट. राइट. नेक्स्ट है वेयर इज माउंट कनलाउ. माउंट कनलाउ कहाँ पे है, माउंट कनलाउ है फिलिपाइंस के अंदर. कौन सी कंट्री में है, फिलिपाइंस के अंदर. तो माउंट कनलाउ वोल्केनो जो है ये कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है, तो जिसके लिए ये न्यूज़ में है तो माउंट कनलाउ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के अंदर है, रिंग ऑफ फायर में ये आता है. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टूडे. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.